नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं CUET PG हिंदी एग्जाम 2024 के लिए एक लेक्चर्स का सीरीज लेकर आया हूँ ताकि अधिक से अधिक छात्र देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रवेश ले सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सब महत्वपूर्ण प्रश्न अथवा सब महत्वपूर्ण कथन पर। वास्तव में इस लेक्चर को लेकर आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका यहाँ पर संकलन है 100 प्रश्नों का। साथ ही मैं आपकी तैयारी को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किताबों को कैसे पढ़ना है। इस परीक्षा को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी का तरीका क्या होगा, तो इन प्रश्नों के माध्यम से मैं बीच बीच में आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कोई ना कोई किताब तो आप रिफर कर ही रहे होंगे, फिर भी यदि आप चाहते हैं कोई अच्छी सी किताब मैं आपको बता दूं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यदि चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। चलिए देखते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा की तैयारी करके आप कैसे सफल हो सकते हैं। एक बार ध्यान में रखिएगा कि यह जो परीक्षा है यह इस बार 75 प्रश्नों के लिए हो रही है, जिसमें निगेटिव मार्किंग है। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए आप यह ध्यान दें कि बार बार आप पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें और तथ्यों को याद रखने का प्रयास करें ताकि गलती की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। तो बार बार आपको पढ़ना है और तथ्यों को स्पष्ट रूप से याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? किसने आदिकाल नाम दिया हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, आरंभिक युग को? तो इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यह प्रश्न मैं इसलिए लेकर आया हूं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल अथवा वीर गाथा काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, उन सभी नामों को आपको याद कर लेना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्य काल अथवा रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप जिस भी विद्वान ने जो भी नाम दिया है उस सभी नामों को आपको याद रखना है और काल विभाजन को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी के प्रथम कवि माने गए प्रथम सिद्ध सरहपा अथवा सरहपाद, जो सिद्ध कवि हुए थे, प्रथम सिद्ध कवि, इन्हें माना गया है हिंदी का प्रथम कवि। इसके बाद बीसल देव रासों के रचयिता का नाम लिखिए, नरपति नाल। तो आदिकाल में जितने भी रासो साहित्य हैं उनके रचनाकारों का नाम आपको याद रखना है ना, नरपति नाल। पौमचर्य किसकी रचना है? या स्वयंभू की रचना है। पौमचर्य किसको रचना है? स्वयंभू की रचना है। इसके बाद ये पांचवा जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए, यह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो इस प्रकार तथ्यों को आपको स्पष्ट रूप में याद रखना है। और कुछ छात्र कहते हैं कि सर इतना सरल प्रश्न नहीं पूछा गया, तो आपको बता दूं हम सरल से कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अब यह शुरुआत है, अभी मेरा बहुत कम ही एपिसोड यहां पर आए हुए हैं, तो हम सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। कंटेंट तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ही और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, तथ्यात्मक भी लेकर आऊंगा। मैं आपको दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी आपको अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो असरल है, कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता तो आपके लिए कठिन है, बस यही फर्क है। इसके बाद किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है और इन्हें अभिनव जयदेव इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो विद्यापति जी के जितने भी नाम है उन सबको आपको याद कर लेना है। इसके बाद सरहपाद या सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है। तो आदिकाल के जितने भी सिद्ध कवि हैं, नाथ कवि हैं, उनकी रचनाओं को, अपभ्रंश की रचनाओं को, अवहट्ट की रचनाओं को आपको याद कर लेना है ना। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपता का, जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, इन सबको आपको याद करना है। तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। अब हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। बाद में आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन।
तो जो सूफी काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को आपको याद कर लेना है और इनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यह कृति कब प्रकाशित हुई थी। इसके बाद दादू दयाल भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण है ना, दादू दयाल भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। इनकी रचनाओं को भी आपको याद करना है। तो प्रत्येक काल के जो कवि हैं, जो रचनाकार, उनकी रचनाओं को और वो कब रचना की गई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तुलसीदास जी की 22 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, उन रचनाओं को पूरी तरह से आपको याद करना है और कब प्रकाशित हुई थी वह भी आपको याद करना है। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए, सूरदास। भ्रमर गीत के रचनाकार है सूरदास। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। भाषा को भी आपको ध्यान में रखना है। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है ना, कृष्ण भक्ति धारा से है। वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति धारा पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। और इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के चंपारण नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था, जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो राम भक्ति धारा पर विशिष्टाद्वैतवाद, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और यह रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। तो भक्ति काल में आपको जितने भी धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, इसमें जितने भी विभिन्न प्रकार के जो दर्शन है, दार्शनिक विचारधारा, इन सबको आपको याद कर लेना है। कौन सी दार्शनिक विचारधारा के प्रवर्तक कौन है और कौन कौन उनके अनुयायी हैं, यह मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, दिशा दे रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कि विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय हुए हैं जो भक्ति काल में, उनके प्रवर्तक कौन है, उनके अनुयायी कौन है, उनकी रचनाएं कौन सी है, यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसके बाद पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी? तो मीरा ने चुनौती दी थी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया है। इसके बाद अन्य विद्वानों ने रीतिकाल को जो भी नाम दिया है उन नामों को आपको याद कर लेना है। सिर्फ आदिकाल और रीतिकाल ऐसे काल हैं जिनको बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम से अभिहित किया है, अलग अलग नाम दिए हैं, तो उन नामों को आप पूरी तरह से याद कर लें अच्छे से बार बार रिपीट करके, कि रीतिकाल को या फिर उत्तर मध्यकाल को विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सा नाम दिया है। इसके बाद रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। वैसे भक्ति काल को भी बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, फिर उनको 2-2 भागों में बांटा गया है, तो इन सबको आपको पूरी तरह से याद करना है। इसके बाद रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है बिहारी। और ये प्रश्न पूछा जाता है, रीति काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? भूषण ने की है। भूषण ने वीर रस प्रधान रचनाएं की गई। जितने भी प्रश्न यहां पर मैं लेकर आया हूं वह प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके माध्यम से आपको मैं तैयारी का तरीका बता रहा हूं। इसके बाद घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, ये सब विभिन्न प्रकार के काल विभाजन है। इसके बाद आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है या प्रिय प्रवास है, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। साकेत के रचनाकार के नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है और पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना इन्होंने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नामक स्थान के जेल में लिखी थी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? यह प्रश्न प्रायः पूछे जाने वाला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये जो बता रहा हूं आपको अक्षर से याद कर लेना है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, इसमें शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है अथवा आनंदवाद की भी अभिव्यक्ति इसमें हुई है। तो कामायनी के जितने भी दर्शन है, जितने भी सर्ग हैं, उनका उनके प्रॉपर ऑर्डर में आपको याद कर लेना है कामायनी के सभी सर्ग को। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। उनकी पुत्री जो सरोज नाम की पुत्री थी उनकी मृत्यु हो जाती है,
तब उन्होंने सरोज स्मृति की रचना की है। इसे हिंदी साहित्य का सबसे बहुत ही मार्मिक और सबसे महान शोक गीत माना जाता है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली। जूही की कली को अश्लील समझकर उस समय सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फायदा वो उस समय संपादक नहीं थे, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, यह भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर। उनकी रश्मि रथी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए, हरिवंश राव बच्चन जी मधुशाला के रचनाकार है, ठीक है। और यह उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित है, और उमर खयाम की रुबाइयों का फिट्ज़गेराल्ड नाम के अंग्रेज विद्वान ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और उस अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से हरिवंश राव बच्चन जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। यह इनकी मौलिक कृति नहीं है बल्कि यह अनुवाद है, यह ध्यान में रखिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और इनकी तुलना अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ से की जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के संग्रह के कवि कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनकी प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, और चांद का मुंह टेढ़ा में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं यह आपको ध्यान में रखना है। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। यह भी शायद इसी चांद का मुंह टेढ़ा संकलन से संकलित है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। तो जितने भी कवि हैं उनके काव्य संकलन का नाम उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको याद रखना है, अलग अलग काल का। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार जी को माना जाता है, और साये में धूप इनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है, साये में धूप, जिसमें उन्होंने यह भी लिखा है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, यह है। इसके बाद शबरी नामक खंड काव्य नामक कृति के रचयिता कौन है? श्री नरेश मेहता जी है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये खंड काव्य महाकाव्य इन सब आपको ध्यान में रखना है, गीति काव्य खंड काव्य महाकाव्य, कौन सी कृति किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है, कौन सी कौन कहानी है, कौन सा नाटक है, कौन एकांकी है, कौन प्रहसन है इत्यादि। तो विश्वास बरताई गया कविता किसने लिखा है? श्री मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बादल को घिरते देखा है इस कविता के रचयिता का नाम लिखिए, नागार्जुन जी ने इसकी रचना की है। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखर पर बादल को घिरते देखा है, या फिर जो अकाल वाली एक जो कविता है इनकी है ना, और इसके बाद सिंदूर तिलकित भाल आदि इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं, अकाल है ना, अकाल और उसके बाद बाबा नागार्जुन ये यात्री के नाम से भी कविताएं लिखते थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था बाबा नागार्जुन ने। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है चिंतामणि। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए, विद्यानिवास मिश्र जी। तो जितने भी निबंध लेखक हैं किस प्रकार के निबंध वो लिखते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, उनके निबंध संग्रह का भी नाम आपको याद कर लेना है, और प्रकाशन वर्ष को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक थे, है ना। किसमें प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह है मानसरोवर। इसके बाद यह प्रश्न भी प्राय पूछा जाता है, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो जो भी रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा, यात्रा विवरण, रिपोर्टाज इत्यादि के लेखक और उनकी रचनाएं, और वे रचनाएं कब हुई हैं इनको आपको याद करना है। सिलेबस आपको भले बड़ा लग रहा होगा लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे तो आप ये याद हो जाता है, कम से कम कवि और लेखक का नाम तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो ये कौन सी विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा विवरण, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब आप अध्ययन करते हैं तो उनके मौलिक नाटक कौन से हैं, अनुदिक नाटक कौन से हैं, बांग्ला से किसका अनुवाद किया है, संस्कृत से किसका अनुवाद किया है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और पत्र पत्रिकाओं को भी ध्यान में रखना है, भारतेंदु युगीन हो चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय का हो, द्विवेदी युगीन। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखिए, शंकर शेष इनके नाटककार हैं। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है, राम दरश मिश्र, मतलब प्राचीन पुराने समय में लिखे गए उपन्यासों के साथ साथ आधुनिक समय में लिखे गए उपन्यासों के लेखक उनके संग्रह का ध्यान लेखक के उपन्यास का आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखे, मैत्रेयी पुष्पा। स्त्री विमर्श हो चाहे दलित विमर्श हो तो चाहे आदिवासी विमर्श हो, इन विमर्श के अध्ययन अंतर्गत जो जो उपन्यास लिखे गए हैं, जो कहानी लिखे गए हैं, जो कहानी संग्रह लिखे गए हैं, उनको भी आपको याद करना है, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। इसके बाद दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी के जितने भी प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं उनको आपको याद करना है उनके लेखकों के नाम के साथ, आलोचकों के नाम के साथ। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आलोचना को आपको कैसे पढ़ना है, आलोचकों की जो रचनाएं हैं, चाहे डॉक्टर रामविलास शर्मा हो, डॉक्टर नामवर सिंह हो, चाहे बच्चन सिंह हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, मतलब जो भी आलोचक हैं उनकी उनके आलोचना जो ग्रंथ है उनको आपको ध्यान में रखना है और उनका कालखंड भी ध्यान में रखना है, कौन पहले पैदा हुए थे, कौन बाद में पैदा हुए थे। इसके बाद परमाल रासो, आला खंड के कवि का क्या नाम है, चंद बरदाई, नरपति नाल, जगनिक और दलपत विजय। तो इसका उत्तर है जगनिक। अब जब परमाल रासो को आला खंड या आला के नाम से भी जानते हैं और उत्तर भारत के कई स्थानों में इसे बरसात के समय में गाया जाता है, आला गायन इसको कहा जाता है, है ना। इसमें एक तो पंक्ति बहुत पसंद है, 12 बरस ले छतरी जिए और 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को दिखकर। तो इस टाइप की जो पंक्तियां हैं आपको, अपभ्रंश कालीन जो पंक्तियां हैं उनको भी आपको याद करना है, ठीक है ना। अपभ्रंश काल में या फिर विभिन्न भक्ति काल में अथवा रीति काल के जो प्रमुख या फिर आधुनिक काल की जो प्रमुख पंक्तियां हैं, जो प्रमुख पंक्तियां जो प्रायः परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको भी आपको याद कर लेना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो यूजीसी ने जेआरएफ के पिछले जो आए हुए क्वेश्चन पेपर उनको जरूर ध्यान में रख लें, उसको पूरी तरह से तैयार कर लें तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। यूजीसी नेट का जो सॉल्व पेपर आता है मार्केट में, यदि आप उसको खरीद लेते हैं तो उसमें जो उत्तर है पीछे आप देखते चले जाइए, बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे परीक्षा के लिए, ठीक है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं, यह मेरा कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन एक आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, उन्हें बताएं कि मैं यह वो लेकर आया हूं सीरीज, और मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, इसलिए आप अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं कंटेंट पूरा उपलब्ध कराने वाला हूं और मेरी वेबसाइट भी आप देखते रहिए, ठीक है। हिंदी शिखर और हिंदी अदब, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। बहुत बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से अभिहित किया है, उन नामों को आपको याद करना है, चाहे रीतिकाल हो चाहे भक्तिकाल, जो भी है। भक्तिकाल को तो एक ही नाम दिया गया है, उत्तर पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, कीर्ति पताका, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो और प्रिय प्रवास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है चंद बरदाई, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, मिश्र बंधु, राजकुमार शर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे लिखा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर मेरा लेक्चर भी है इसमें, और मेरी वेबसाइट पर भी मैंने कंटेंट अपलोड किया है, हिंदी शिखर में आप जाकर देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इसलिए उस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, 8-10 क्वेश्चन तो आपको वहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बीजक के रचयिता का नाम क्या है, बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास, है ना। कबीरदास के उनके जो शिष्य हैं उन्होंने इसको संकलित किया था, बीजक, साखी सबद रमैनी इसके हिस्से हैं।
इसके बाद जो इनके शिष्य थे धर्मदास नाम के, उन्होंने संकलन किया। निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो आपको सूफी जो जितनी काव्य धारा है उसके जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं का जो संकलन है उसको आपको याद रखना है, और वे कब प्रकाशित हुई यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम जायसी की रचना है, चंदायन नहीं है, क्योंकि चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो सूफी काव्य धारा के कवियों ने प्राय अवधी भाषा में काव्य रचना की है। भारत में भक्ति का स्रोत कहां से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत आया? पूर्व, पश्चिम, सिंध या दक्षिण? तो यह दक्षिण भारत में भक्ति का स्रोत उत्पन्न हुआ था, इसीलिए यह कहा जाता है भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड या सात द्वीप नवखंड, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, संतन को कहा सीकरी सो काम काज, किसकी पंक्ति है? सूरदास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास अथवा तुलसीदास, यह पंक्ति है कुम्भनदास की। इसके पूरा नाम, इसको पूरा इस तरह पढ़ते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काज, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, इसके बाद नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? गुरु नानक, सूफी काव्य, राम काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य। तो जो गुरु नानक हैं वे संत काव्य धारा के कवि हैं। मानुष प्रेम भयो भय कुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो यह दादू दयाल की पंक्ति है कि मुल्ला दाऊद की पंक्ति है, कुतुबन की पंक्ति है कि जायसी की पंक्ति है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। यह मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं कि ऐसे जो पंक्तियां हैं, चाहे वो आदिकाल के हों, अपभ्रंश की पंक्तियां हों, अवहट की पंक्तियां हों, अथवा भक्तिकाल की पंक्तियां हों, अथवा रीतिकाल की पंक्तियां हों, आपको याद रखना है कि यह किसकी पंक्ति है। ये ऐसी पंक्तियां प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके बाद भ्रमर गीत के रचना रचिता कौन है? सूरदास जी हैं। इसके बाद एक सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया था। सैयद इब्राहिम ने अपना क्या नाम रखा था? कृष्णदास, रामदास, रसखान अथवा प्रेमदास? तो इसका उत्तर है रसखान। रसखान नाम के एक जो कवि हुए हैं, और इन्होंने, इनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर इन्होंने रस खान नाम रख लिया था, है ना। मानुष हो तो वह रस खानी बसव ब्रज गोकुल गांव के कारण, ये आपने पढ़ी होगी, ये पंक्ति आपने बहुत ही पढ़े, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये आपने पढ़ी होगी। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास? सूरदास जी को कहा जाता है। जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तब यह कहा गया था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो ले। तो ये कुछ इनके, उनकी मृत्यु होने पर यह कहा गया था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है ले सकता है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? बीरबल, रहीम, तानसेन, इनमें से किसी भी नहीं। तो रहीम ने दोहावली की रचना की थी। एक बार फिर यह प्रश्न आ गया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल अथवा उत्तर मध्य काल? इसका उत्तर है श्रृंगार काल। मतलब रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से अभिहित किया है, उन सभी नामों को आपको याद करना है। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, तो इस सबको आप याद करिए, ठीक है। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? बिहारी, देव, घनानंद, पद्माकर? तो घनानंद है। रीतिमुक्त काव्यधारा कवि है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो ये सभी कवि रीतिमुक्त काव्यधारा कवि हैं। अब इसको मैं क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि रीतिमुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध तीनों काव्यधारा के जितने भी कवि हैं, जितनी भी रचनाएं, उनको याद करना है, ठीक है। इसके बाद है रामचंद्रिका के रचिता का नाम क्या है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास और भिखारीदास। तो इसके रचनाकार हैं केशवदास। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम है केशवदास। पद्माकर रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? पद्माकर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है रीतिबद्ध। तीनों काव्य धारा के कवियों को आपको याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? प्रिय प्रवास, साकेत, लहर और उर्वशी? तो यह है साकेत। और अभी अभी आपको अभी प्रश्न आएगा कि जोड़ी मिलाने के लिए, आपने देखा होगा परीक्षा की तैयारी करनी, मेरे पिछले एपिसोड आप कंटिन्यू अगर देख रहे होंगे
तो मैं अलग अलग एपिसोड में अलग अलग बातों की चर्चा करता हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। बार बार मैं इन चीजों को रिपीट करना नहीं चाह रहा हूं कि यह जोड़ी बनाने के लिए भी आ सकता है, टेबल है टेबल भी। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या धूमिल? तो माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध है। अब इस प्रश्न का उद्देश्य है कि अलग अलग कवियों के अलग अलग नाम है, जैसे नागार्जुन मैथिली में यात्री के नाम से लिखते थे, वैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम क्या है, और भी अन्य लेखक हैं जिनके अलग अलग नामों से जो लिखते थे, जिनके उपनाम इत्यादि थे, इन सभी नामों और उपनामों को आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और धूमिल? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। मतलब आपको अलग अलग काव्यधारा के कवियों को ध्यान में रखना है कि कौन से प्रगतिवाद से संबंधित है, कौन से प्रयोगवाद से संबंधित है, तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, दूसरा सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, इसके संपादक कौन है और इनकी रचना, इनका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इस तरह से आपको याद करना है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936, 1935, 1938 और 1950। इसका उत्तर है 1936। वास्तव में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में लंदन में हुई थी, लेकिन बाद में भारत में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद अथवा मनोविश्लेषणवाद? तो जो प्रगतिवाद है वह मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद है। इसके बाद प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ, काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? प्रयोगवाद अथवा प्रयोगवादी काव्यधारा, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक अथवा चौथा सप्तक? तो इसका उत्तर है तार सप्तक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी और इसके संपादक थे अज्ञेय जी। तो सन 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है इस किताब के प्रकाशन के बाद। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है दिव्या, शिखर एक जीवनी, मृगनैनी और चित्रलेखा। तो अज्ञेय जी का अत्यंत प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है शिखर एक जीवनी, जो दो भागों में विभाजित है ना। शिखर एक जीवनी क्या है? दो भागों में विभाजित है। यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। फ्लैशबैक मतलब जो अतीत के जीवन के बारे में जिसका जिसका जिक्र किया है ना उसमें नायक ने। और इसके जो नायक है वह शेखर है और इसकी जो नायिका है वह शशि है। आजकल परीक्षाओं में नायक और नायिका भी पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास के कौन से पात्र हैं, किस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, किस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। तो अब इसको भी आपको याद रखना है। मैं इन बिटवीन आपको जो बीच बीच में जो टिप्स दे रहा हूं, जो आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, इन सभी बातों को यदि आपने आत्मसात कर लिया तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये खाली मैं तथ्यों को लेकर नहीं आया, आपको ये बता रहा हूं कि आपको किन किन बातों को याद रखना है। तो आप नोट कर लीजिए, कागज में आप नोट कर ले कि किस उपन्यास का पात्र कौन सा है, गोदान के पात्र कौन कौन से हैं, शेखर एक जीवनी के पात्र कौन कौन से हैं इत्यादि, चाहे उपन्यास हो या कहानी हो। अंधा युग किसकी रचना है? भारतेंदु, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और धूमिल? यह रचना है धर्मवीर भारती। इसका रेडियो रूपांतरण भी किया गया था। धर्मवीर भारती इसके रचनाकार है। अंधा युग एक गीति नाट्य है, एक ऐसा नाटक है जिसे काव्य के रूप में कविता के रूप में लिखा गया है अंधा युग को, इसे बोला जाता है गीति नाट्य। और इसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती और इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। तो इनके अंधा युग में आपको यह ध्यान में रखना है, इसके पात्रों का नाम तो आपको याद में रखना है कि इसके अलग अलग खंड में क्या क्या नाम दिया गया है, अलग अलग अंक को क्या क्या नाम दिया गया है, इसको याद कर लेना है पूरा उनके प्रॉपर ऑर्डर में। इसके बाद मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है बाघ, संसद से सड़क तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, कुआनो नदी। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। यह पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कंवर और राजेश जोशी। तो मंगलेश डबराल मतलब आधुनिक समय की रचनाओं में जो कवि हैं उनकी रचनाओं रचना संग्रह को भी आपको ध्यान में रखना है। साये में धूप के रचनाकार हैं कुमार विकल, विनोद कुमार, दुष्यंत कुमार और राजेश जोशी। तो इसका उत्तर है दुष्यंत कुमार।
ठीक है। साये में धूप दुष्यंत कुमार की बहुत प्रसिद्ध रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है अंधेरे नगरी बकरी शकुंतला संयोगिता स्वयंवर। तो अंधेरे नगरी इसका उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब इन्होंने किन किन पत्रिका का संपादन किया, कब संपादन किया, और भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं मौलिक नाटक कौन से हैं, कौन सी है, इनके निबंध कौन से हैं, अनुदित नाटक कौन से हैं बांग्ला से संस्कृत में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूरी बातों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिओद। इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में शुरू हुआ था और इसके प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1930 ईस्वी में इसके संपादन का काम किया और इस पत्रिका का जो सबसे बड़ा योगदान है वह हिंदी भाषा अर्थात खड़ी बोली का परिमार्जन अथवा शुद्धिकरण है। इन्हें भाषा को परिमार्जित किया और इसे प्रमाणिक स्वरूप प्रदान किया इस पत्रिका ने। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत बड़ी भूमिका है आज हम जिस हिंदी को पढ़ते हैं लिखते हैं इसके निर्माण में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? अशोक के फूल, चिंतामणि, विचार और वितर्क और रसज्ञ रंजन। तो इनका निबंध संकलन है चिंतामणि। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग संग्रह है? गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और नरेंद्र कोहली। इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का उद्देश्य है कि जितने भी व्यंग लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं उनको आपको याद करना है और कौन सा सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन पहले पैदा हुआ है, कौन बाद में है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद होता चला जाता है। मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न के रूप में आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 साल के जो नेट के जो प्रश्न पत्र हैं सॉल्ड पेपर उसको पढ़ लीजिए एक दो बार, और जो मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिए और निरंतर आप तैयारी करते रहिए। बहुत ही आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे और मेरे को बताएंगे भी कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो हम दोनों की वह कंबाइंड उपलब्धि होगी। ठीक है, इसके बाद बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? किस्सा तोता मैना, उसने कहा था, हार की जीत और दुलाई वाली। तो बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। तो हिंदी की जो प्रारंभिक 4-5 कहानियां हैं तो उन कहानियों कब प्रकाशित हुई थी और उनके कहानीकार कौन है इनको तो आपको याद रखना ही है। प्रथम जिस भी कृति में प्रथम है, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम कविता, प्रथम रिपोर्टाज, प्रथम रेखाचित्र, उसके मतलब जो भी लेखक है या कवि है उनको आपको ध्यान में तो रखना ही है ना, याद रखना है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कई कहानी आंदोलन हुए थे, अकहानी आंदोलन, समांतर कहानी आंदोलन, सचेत कहानी, तो इस प्रकार के कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है और उस कहानी आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से साहित्यकार शामिल थे उसको आपको ध्यान में रखना है। तो मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो इसका उत्तर है कमलेश्वर। इसका क्या उत्तर है? कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक है। इसी प्रकार जितने भी कहानी आंदोलन हुए हैं उनके प्रवर्तक कौन है, उसके अंतर्गत किन किन लोगों ने कहानियां लिखी इसको आपको ध्यान में रखना है। कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है राजा निर्बंसिया, और इनका जो प्रमुख जो उपन्यास है वह है कितने पाकिस्तान, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी या भारत दुर्दशा? भारत दुर्दशा नहीं है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाटककार भी है, कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, तो बहुत सारे कविता इन्होंने लिखी है। तो कविता एक कवि भी है, नाटककार भी है और एकांकीकार भी है, मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी। इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी को। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? शंकर शेष, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल और उदय शंकर भट्ट। तो मोहन राकेश, मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। तो इसके पात्र कौन कौन से हैं यह आपको याद करना है और इनके जितने भी नाटक हैं, जितने भी उपन्यास हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो ये एक तरीका होगा तैयारी का। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम लिखिए। भीष्म सहनी, सुरेंद्र वर्मा, गोविंद चातक, मोहन राकेश। तो इसका उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी के जितने भी नाटक हैं इनको आपको याद करना है। इसके बाद बकरी नाटक प्राय कई विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। बकरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए। जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, असगर वडाहत। इसका उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
एकांकीय नाटक में उसके पात्र कौन कौन से हैं, उसमें विषय कौन कौन, उसका विषय क्या है, है ना, और उसमें कौन सी कविता शामिल की गई है। जैसा जयशंकर प्रसाद जी की जो नाटक है उनमें प्रायः कई कविताएं होती हैं, कई गीत होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ और चंद्रकांता। तो अब यह माना जाता है हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी और इसके लेखक हैं, उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? कर्मभूमि, रंगभूमि, तितली और गोदान। तो इनकी तितली इनकी इनका उपन्यास नहीं है। तो जब उपन्यासकार को जब आप बारे में आप पढ़ेंगे तो उनके पूरे उपन्यास संग्रह का जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखा है उसको आपको याद करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। आजकल यह पूछा जाता है एक ऑर्डर में जमाने के लिए कि कौन सा उपन्यास पहले प्रकाशित हुआ, कौन सा बाद में हुआ, उनको एक ऑर्डर में जमाना होता है, ठीक है। जैसे इनका अंतिम उपन्यास गोदान है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, फिर इनका पहला उपन्यास कौन सा है, इस तरीके से। त्याग मतलब उपन्यास को या फिर उनके कविता संग्रह को एक ऑर्डर में जमाना होता है कि इनकी किताबें कब कब प्रकाशित हुई थी, चाहे एक ही लेखक है या फिर अलग अलग लेखकों के। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, यशपाल, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र कुमार। तो त्याग पत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने प्राय मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उपन्यास लिखे हैं। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए, मानस का हंस, सेवा सदन, खंजन नयन और भाग्यवती। तो मानस के हंस उपन्यास के लेखक है खंजन नयन, अमृतलाल नागर, और यह सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसी प्रकार जो मानस का हंस जो उपन्यास है वह तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? दादा कामरेड, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। तो इसका उत्तर है दादा कामरेड यशपाल, क्योंकि शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी अज्ञेय जी की रचना है। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा प्रीवदा, कृष्णा सोबती। तो रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रीवदा। और यह जोड़ी मिलाने के लिए भी आ सकता है, अलग अलग लेखिकाओं की रचनाएं को उनके नाम के साथ आपको जोड़ी मिलाना है, टेबल ए और टेबल बी दे दिया रहेगा। तो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है। इसके बाद चाक विवाही स्त्री विमर्श से संबंधित रचनाएं, चाक उपन्यास। चाक के रचनाकार का नाम लिखिए, मैत्रेयी पुष्पा, मंजिल भगत, सूर्य बाला, ममता कालिया। इसका उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामलीला शर्मा और महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर है रामविलास शर्मा। तो जितने भी आलोचना ग्रंथ हैं उन आलोचना ग्रंथों के रचनाकार का नाम, हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किन किन लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कब लिखा, तो यह आपको याद करना है। और वैसे ही हिंदी आलोचना ग्रंथों में भी किस आलोचक की रचना कौन सी है यह भी आपको याद करना है। बिल्लेसुर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो यह किस, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा। तो निराला जी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, रिपोर्टार्ज, इन सबको आपको याद करना है। ये तो छोटा छोटा रहता है सिलेबस, बस इसके रचनाकार कौन है, किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है चार भागों में विभाजित है, तो किस ऑर्डर में है, क्या क्या नाम है, क्या भूलू, क्या याद करूंगा, दस द्वार से सोपान तक, इस तरह चार भागों में है, ठीक है। नीड का निर्माण फिर से एक और है। इसके बाद हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? वियोगी हरि, उपेंद्रनाथ हर्ष, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास जैन। इसका उत्तर है बनारसी दास जैन। अर्ध कथानक इन्होंने लिखी थी 1641 ईस्वी में। तो जितने भी प्रथम है, प्रथम तो आपको ध्यान में रखना है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि, इसके बाद मतलब पहले कहानीकार, प्रथम उपन्यासकार, प्रथम एकांकी लेखक, प्रथम नाट्य रचना किसकी है, क्या है, यह सब आपको याद करना है, प्रथम तो आपको ध्यान में रखना है। वैसी पत्र पत्रिकाओं के संपादक, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उसके संपादक कौन थे, सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान है, इन सब बातों को आपको याद करना है। इसके बाद यह रिपोर्ट, यह
यात्रा विवरण यात्रा वृतांत वगैरह होता है जो। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? रांगे राघव, अज्ञे, राहुल संस्कृतायन और यशपाल। तो इसका उत्तर है राहुल संस्कृतायन। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी को एक दिशा मिल गई होगी। और इसके बाद आप मेरा जो दो वेबसाइट्स भी हैं, मेरे हिंदी शिखर और हिंदी अदब, उसमें भी मैं बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट डालकर रखा हूँ, उसे भी आकर जाकर जरूर पढ़ें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और यह मेरा निरंतर एपिसोड आता रहेगा, जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते तब तक यह श्रृंखला चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।